हमास का पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया मारा गया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इसकी पुष्टि की है। हानिया ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए तेहरान में था। हमास ने हानिया की मौत की पुष्टि भी कर दी है। भले ही इसराइल ने अपनी तरफ से इस हमले की जिम्मेदारी न ली हो, लेकिन हमास ने बता दिया कि इसराइल के हमले में ही उसका चीफ मारा गया है। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता सिद्धांत सिब्बल। सिद्धांत, इस्माइल हानिया की हत्या पर क्या ज्यादा डिटेल्स आपके पास और आ रही है? हमास ने कहा है कि उनके बड़े नेता इस्माइल हानिया ईरान की राजधानी तेहरान में मारे गए हैं। उन्हें कहा है कि इसके पीछे इसराइल का हाथ है। अभी तक इसराइल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हमास के नेता इस्माइल हानिया ईरान में ईरान के नए राष्ट्रपति के स्वेरिंग इन सेरेमनी में शिरकत करने के लिए तेहरान आए थे। मैं बता दूं कि अभी एक तरफ से जो ईरान की सरकारी मीडिया है वो और डिटेल्स दे रही है। करीब 2 बजे सुबह एक मिसाइल स्ट्राइक में ये इस हमले में इस्माइल हानिया मारे गए। इसका एक जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट होगा रीजन में। हमने देखा कि कैसे हमास ने इसराइल में एक आतंकवादी घटना की थी अक्टूबर पिछले साल में, जिसमें करीब 1200 इसराइली मारे गए थे, और उसके रिटेलिएशन में हमने इसराइल की तरफ से एक मिलिट्री ऑपरेशन देखी है गाज़ा में, जिसमें करीब 38,000 लोग मारे गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस डेवलपमेंट के बाद जो हालात हैं वेस्ट एशिया में और बिगड़ सकते हैं, और भारत के बड़े स्टेक्स हैं। एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर लें या एक बड़ी डायस्पोरा जो पूरे रीजन में है, इसराइल की बात कर लें वहाँ पे भी है और ईरान में भी है। चलिए, तो हमने जानकारी ली हमारे संवाददाता सिद्धांत सिब्बल से।